नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीवीसी भारत। आज नरसिंहपुर जिले को पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक बहुत ही अच्छी सौगात दी है। जी हां, आप मेरे पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक चलित इकाई यहां पर खड़ी हुई है। पूरा का पूरा अस्पताल है ये अपने आप में, और ये दिया गया है नरसिंहपुर जिले के पशुओं के लिए। जी हाँ, पशु प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब आपको करना ये है कि 1962 डायल करना है, और यदि आपका पशु बीमार है तो आप इस नंबर पर फोन लगाकर इस इकाई को अपने घर पर बुला सकते हैं। हमारे साथ पशुपालन विभाग नरसिंहपुर के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर पीके शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस वैन के बारे में कि क्या कुछ सुविधाएं अब इस वैन के द्वारा पशुपालकों को और पशुओं के हित में मिल सकती हैं। ये शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि पूरा पशु चिकित्सालय की जो सुविधाएं रहती हैं वो हम पूरी इस वैन के अंदर दे रहे हैं, इस गाड़ी में दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, इसमें एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रहेगा, एक पैरावेट रहेगा, एक ड्राइवर कम अटेंडेंट रहेगा, पूरे का पूरा जो हमारा टेक्निकल स्टाफ इसमें रहेगा। इस चलित पशु चिकित्सा इकाई में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, क्या क्या मशीनरी मौजूद है, हम ये हमारे दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पूरी मशीनरी है, कबर्ड बना हुआ है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा इसका विस्तार से हमें समझाइए। इसमें क्या है, ये पूरी वाहन जो हमारी है एयर कंडीशन है, यानी आपको किसी प्रकार की बैठने की इसकी किसी को परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आप देख रहे हैं इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है, पूरा बैकअप है हमारे पास। कभी भी किसी भी समय हमारा फ्रिज वगैरह इन्वर्टर से चालू हो सकता है, गाड़ी चलती रहेगी तब उससे चालू होगा, नहीं तो इन्वर्टर का पूरा बैकअप है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं फ्रिज के साथ साथ एक, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, यह है वैक्सीन कैरियर है, इसमें हम जो भी है वैक्सीन इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। वैक्सीन कैरियर के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन का अंदर मतलब ये है कि हम इसमें ब्लड का सीरम को सेपरेट कर सकते हैं, और जिससे अगर किसी प्रकार की पशु में बीमारी है तो हम उसको जाके पता लगा सकते हैं। ये अलग अलग स्टोरेज यूनिट है, यहाँ पर हमारी पूरी दवाइयाँ रहेंगी करेंगी। इसके साथ साथ अब क्या है, पूरे लाइट का हम लोगों को ये अलग अलग प्रकार का इंतजाम भी किया गया है, यदि इनकेस अगर रात हो जाती है, हम रात में भी काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास पूरा बैकअप लाइट का है, ये चार्ज हो जाते हैं इसी से गाड़ी जब चलती है, और चार्ज होने के बाद हम इनको बाहर निकाल के कर सकते हैं। हमारे पास एआई का सिलेंडर है, एआई सिलेंडर से हम क्या कर सकते हैं, एआई भी कर सकते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के सीमेन इसमें उपलब्ध है और हम इसमें से एआई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एआई किट है, कैस्ट्रेटर है, कैस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी पशुपालन से संबंधित जो भी कार्य हम अस्पताल में करते हैं लगभग हम उससे कर सकते हैं। साथ में माइनर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन के लिए ओटी वगैरह चाहिए, और जो छोटे मोटे ऑपरेशन है वही इस वैन की सहायता से हम आराम से कर सकते हैं। तो देखा आपने, पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर शर्मा ने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से ये चलित पशु चिकित्सा इकाई काम करती है। आप भी इस सुविधा का लाभ बहुत आराम से ले सकते हैं। आपको करना यह है कि केवल 1962 डायल कीजिए और अपने पशु को जो भी आपको बीमारी है वो संबंधित ऑपरेटर को आपको बतानी है, और ये चलित इकाई आपके दरवाजे तक आएगी। निश्चित रूप से इस इकाई का पशु पालकों को और पशुओं को बहुत फायदा होने वाला है।